अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदार अपनी तिजोरी भरने के लिए लोगों की शान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अब न्यायालय कोर्ट तहसील भवन के निर्माण कार्य में भी ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। ताजा मामला सिमरिया तहसील का है, जहां वार्ड क्रमांक 10 में बिना पिलर के गुणवत्ता विहीन बाउंड्री वॉल का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री, कलेक्टर और तहसीलदार से शिकायत की है। अधिवक्ताओं ने बताया कि बिना पिलर के ही बाउंड्री खड़ी कर दी गई, जिसके चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने मांग की है कि आवेदन में दिए गए बिंदुओं की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि उक्त कार्य सिमरिया के नगर परिषद अध्यक्ष पति राजेश विश्वकर्मा द्वारा करवाया जा रहा है। क्या नाम है अपना के? राजेश कुशवाहा। यहाँ का करी तहसील में अपना? स्टाम्प वेंडर है। ये जो अपना पंजन के बैठे खेती सेट बनवाबा का है, ये बना है ना सेट टीना वाला? बना। तो इमें पिलर कहाँ नहीं दीन के? आप पिलर नहीं दीन है जी, पगड़ा बना है। पगड़ा बना जी, तो पिलर के बिना पगड़ा कमजोर जी। तो काय जब बनावत रहे तो का अपना पंचे में आवाज उठाएं? नहीं, कोई नहीं उठाएं, क्योंकि अपना खेत न बन रहा है। हाँ, काहे नहीं आवाज उठाएं? कोई नहीं उठाएं, हम बहुत नहीं उठाएं जी। क्या नाम है अपना के? ये बताई, ये जो सेट बना है जहाँ अपना पंचे बैठ है, ये अर्जिनोवेशन खेत बना है ना, पिलर ये इतनी बड़ी दीवार बन गए, पिलर काहे नहीं दीन गए? पिलर या जो अपना के खंभा लगे लागे लोहे वाले जी, कहाँ लगे? हम फोटो खींच खंभा लगे हैं बीच बीच लोहे वाले जी जी जी, हम देखें मेन स्तंभ मान के जो है जी, यही बाउंड्री खड़ा कर दी जी, सपोर्ट लगाए की पिलर काहे नहीं दीन? अब ये तो अपना पंजन का विरोध करे चाहिए एकर। अब ये ठेकेदार बता सकत है का नाम है अपना के? सुनील कुमार द्विवेदी। तहसील में का करी थे अपना? यहाँ स्टाम्प वेंडरी। ये जो सेट बना है ये अपने पंजन की तरह बना है? जंगले बना है, हम अपने पैसे से बनवाए हैं। इंडिया वाले जितने में बैठे हैं, ये कैसन? जब हम जाऊँ बताई देता हूँ, हम बता रहे हैं स्वयं के पैसा से। स्वयं के ये जो दीवाल बनी है, दीवाल तो शासन बनवाई, और फिर स्वयं के पैसे से अपने पहले से बनवाए रहे हैं जी। पहले से ये जंगला के बगल में जब बना लगा है जी, तो वो सब शासन के बनवावा पर जितने में हम बैठे हैं, तो स्वयं अपने पैसे से बनवा के बैठे हैं जी। ये जो दीवाल बनी है मैं कहूँ पिलर नहीं देंगे? या शासन जाने हम ही भजन कथा लगा रहा है कि ललहा पाइस रोटी पेट ली छुपका है जी। क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र शर्मा, एडवोकेट सिमरिया जिला रीवा मध्य प्रदेश। अब ये है कि जो ये दीवाल वाला क्या मामला है आपके सिमरिया में? दीवाल ऐसा है कि ये तहसील परिसर के पास में जहाँ पर अधिवक्ता भवन है, और अधिवक्ता गण भी बैठते हैं, पक्षकार गण भी बैठते हैं, अर्जी नवीस भी बैठते हैं, और इस मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर खेलते कूदते रहते हैं जी। तो जो दीवाल बनी है उसकी जो लंबाई है और ऊंचाई है, उस लंबाई और ऊंचाई को देखते हुए उस पर कम से कम 10 फीट 12 फीट 15 फीट या 20 फीट में पिलर का होना अनिवार्य था जी, और पिलर उसमें नहीं बनाए गए हैं जी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगा कि ये दीवाल जो है तो गिर सकती ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, गिर सकती है भविष्य में, और अचानक गिर सकती है, और बड़े हादसे भी हो सकते हैं, हादसे भी हो सकते हैं। तो इस कारण से मैंने माननीय तहसीलदार साहब को, निर्माण एजेंसी कौन सी है ये? निर्माण एजेंसी मुझे जानकारी नहीं है कौन, पर शायद हमें ये जानकारी लगी अभी वहाँ कि आपके सिमरिया नगर परिषद के अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, उन्हीं के माध्यम से ये काम निर्माण करवाया जा रहा है, और शायद आपको जानकारी न होगी। अब मुझे जानकारी नहीं, मैंने अपने आवेदन में भी यही लिखा है कि किसी जिस किसी से भी निर्माण कार्य किया गया है तो वो गलत किया गया है, सही निर्माण कार्य कराएं, और गलत निर्माण कार्य जिसने भी किया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल जी।